गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज कामना आयशा। देन माय पोयम टॉपिक इज सर्दी का मौसम। सर्दी का मौसम पहले 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 यार सुनो यार, रुक जाओ यार, आप किस क्लास में हैं? आपसे बात करनी है, हैं? किस क्लास में हो ना? सिक्स क्लास में हो। एक सुनो ना, आपकी कविता हिंदी में है और उसके पहले का सारा बात जो है आप बोल दिए कि अंग्रेजी में, तो या तो एक भाषा में मैं कामरान हूँ और मैं अपनी कविता सुनूंगी इस तरह से। जो भाषा है उसमें बोलनी चाहिए, लेकिन उसी से करनी चाहिए कि जिसमें हम कविता सुनाए पहले उस भाषा में बात करें, किसी भाषा से कोई दिक्कत नहीं है ना। सर्दी का मौसम आया है अपने साथ धुंध भी लाया है। सर्दी का मौसम आया है अपने साथ धुंध भी लाया है। ठंड में सूरज की किरणें आती है कितनी देर से, फिर लगता आ गई कितनी पहले। मन नहीं करता रोज नहाने का, मन नहीं करता रजाई से बाहर आने का। मन नहीं करता रोज नहाने का, मन नहीं करता रजाई से बाहर आने का। फिर भी ठंड का मौसम बहुत अच्छा है, खेल के लिए बहुत अच्छा है। गर्मी नहीं होती मजा बहुत आता है, गर्मी नहीं होती मजा बहुत आता है। सर्दी का मौसम आया है अपने साथ धुंध भी लाया है। सर्दी आ जाती है आइसक्रीम चली जाती है, सर्दी आ जाती है आइसक्रीम चली जाती है। इससे मन उदास हो जाता है, फिर भी मजा बहुत आता है। थैंक यू। ये कविता आपने लिखी थी? यस। रजाई के अंदर बैठ के कभी आइसक्रीम खाई है? नहीं सर। नहीं खाए? नहीं। दिल्ली में बहुत लोग खाते हैं, कोई पूछना घर वालों से, दिल्ली में बहुत लोग खाते हैं। पापा से बोलना, यहाँ इंडिया गेट में लोग रात को जाकर आइसक्रीम खाते हैं। नहीं अच्छा, घबरा क्यों रहे? पूछ रहा हूँ। गाँव इंडिया, इनके गाँव में इंडिया गेट नहीं है ना? कोई बात नहीं, बच्चे आजकल इंटरनेट से अवेलेबल है, वो कहां से यहाँ मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप थोड़ी बताएंगे कि कहाँ है, उनको सब मालूम है इंडिया गेट कहाँ पर। मेरा गांव अमेरिका में नहीं है, लेकिन मैं अमेरिका की वीडियोस देखता हूँ ना। उनसे कोई yes, अच्छा चलिए, बहुत सुंदर सर्दी के मौसम में, सर्दी वाली ये जो है मौसम के हिसाब से कविता आपने लिखी। साइंसर अगले कौन है, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट?